बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख्वातीन और हज़रात, आज वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब को घर से गिरफ्तार किए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं इस चीज की शदीद अल्फाज में मुज़ामत करता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब की गलती क्या है? आज सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हकायक बयान किए, क्या वही उनकी गलती है? उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्या की? उन्होंने तो सिर्फ सच बोला। उन्होंने जो इस वक्त फस्ताइयत और जो बर्बरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और वर्कर्स पे हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने जो पर्दा चाक की है, क्या वही उनकी गलती है? जो मोहसिन लगारी साहब के बेटे के ऊपर तशद्दुद किया गया और मोहसिन लगारी साहब को मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ें, नियाज खान झकड़ साहब को अरेस्ट किया गया, 5 दिन गायब रखा गया, उनको मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ें, इसी तरह आपके सैफुद्दीन खोसा साहब को अरेस्ट किया गया, उनको मजबूर किया गया, आपके नवाबजादा मंसूर खान साहब को अरेस्ट किया गया, ये वो सारे के सारे शवायद हैं जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौम के सामने रखे। गुज़िश्ता रात उस्मान डार साहब के खानदान के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई, उनकी 75 साल वालदा को घर सील करके बाहर रोड पे ले आए, सारे खानदान को, खवातीन को, बच्चों को, उनका कारोबार सील किया गया, इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह बात की, क्या यही उनकी गलती है? हमारा तो ख्याल था ये केयर टेकर निगरान हुकूमत आएगी तो जो फस्ताइयत और बर्बरियत का अमल जो है कि शुरू किया था सबका हुकूमत पीडीएम के फासिस्ट हुकूमत ने, वो कम होगा, पर वो तो हमें कम होते हुए नजर नहीं आ रहा। हमारी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने निगरान वजीर आजम को यह लिखा था कि हमारी यही तवक्को है, हम लोग यही चाहेंगे कि यह फस्तियत और बर्बरियत खत्म हो। ख्वातीन हज़रात, ये हकायक पे जो पर्दा चाक किया गया, ये कौम के लिए एक बहुत बड़ा सबक आमोज मरले से हम लोग गुजरे हैं और ये बहुत अहम चीज है, हकायक लोगों को पता लगने चाहिए। हमारी ये एक अहम डिमांड भी है कि साइफर के इशू पे, जो आजकल फिर अभी सामने आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने बारहा बार ये बात कही है कि उसकी तय तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले भी डिमांड थी, आज भी डिमांड है कि इसके ऊपर फिल फॉर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए कि इसकी हकायक के तय पे हम लोग पहुंच सकें और पूरी कौम को इसकी हकीकत का पता लगे। हम लोग सच चाहते हैं। ख्वातीन हज़रात, इमरान खान साहब ने अपनी अदम मौजूदगी में पार्टी की क्यादत का एक मजबूत मैकेनिज्म बनाया और वो इसलिए कि एक फैसला साजी मैकेनिज्म होना चाहिए कि पार्टी का कोई लीडर भी या कोई लीडरान या कैद होते हैं या अरेस्ट होते हैं तो फैसला साजी का मामला जो है उसमें कोई खलल नहीं आनी चाहिए और ये एक वाज़े मजबूत तरीकाकार इमरान खान साहब ने खुद मरबूत किया और बनाया। और इससे हमें क्या फायदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्रेमवर्क, जो आपका ब्लूप्रिंट आप समझ लें, जो नक्शा इमरान खान साहब ने खुद बनाया, उसी के तहत पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, हम लोग फैसला साजी कर रहे हैं, हम लोग फैसले कर रहे हैं और पार्टी मुनज्जम तरीके से आगे जा रही है। आखिर में ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं फिर एक बार डिमांड करूंगा कि जमहूरी प्रोसेस को आगे ले जाया जाए, पाकिस्तान के आईन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला कि हम लोग पहले मुख्तलिफ चीजें मुकम्मल करेंगे और उस डिलिमिटेशन और हल्का बंदियां करेंगे और उसके बाद उसको हम लोग नहीं मानते, हम लोग अदालत में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चली जा चुकी है, हम भी जा रहे हैं और हमारी एक ही डिमांड, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन और इमरान खान साहब को सही मानी में इंसाफ के वो बाहर आए और इस मुल्क को लीड करें। इंशाल्लाह ताला अगले वजीर आजम इमरान खान। बहुत शुक्रिया ख्वातीन हज़रात, खुदा हाफिज़।